हेलो माय डियर्स, तो हमने चैप्टर नंबर थर्ड कंप्लीट कर लिया है, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। ओके, खनिज और प्राकृतिक संसाधन, शक्ति संसाधन। ठीक है, तो आज हम उनका सॉल्यूशन क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, नेम एनी थ्री कॉमन मिनरल्स यूज बाय यू एवरीडे। प्रतिदिन ऐसे कौन से कॉमन मिनरल्स हैं जिनको आप रोज़ यूज करते हैं। ठीक है, तो उनके आपको नाम लिखने हैं। तो वैसे बहुत सारे हैं, आयरन, एल्युमिनियम। ठीक है, तो उनमें से साल्ट, तो ऐसे कुछ आपको लिखने हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, साल्ट, गोल्ड, कॉपर। ठीक है, तो आप जिनको डेली यूज़ करते हैं एवरीडे लाइफ में, ऐसे तीन मिनरल्स के नाम लिखने हैं। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ एन ओर, ओर क्या होता है, एंड वेयर आर द ओर्स ऑफ मेटेलिक मिनरल्स जनरली लोकेटेड। ये ओर क्या होते हैं और सामान्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं। तो आंसर क्या है, ओर होते क्या हैं, रॉक्स फ्रॉम बीच मिनरल्स आर माइंड आर नोन एज ओर्स। वे चट्टाने जिनसे मिनरल्स को निकाला जाता है या खनन किया जाता है, उसे हम ओर कहते हैं। फॉर एनी मटेरियल टू बी कॉल्ड ओर ऑफ एनी मिनरल्स, इट मस्ट बी कंटेन मिनिमम एडिक्वेट क्वान्टिटी ऑफ दैट मिनरल सो दैट इट कैन बी एक्सट्रैक्ट प्रॉपरली। जिसको भी हम उससे निकालते हैं, ठीक है, तो उसको निकालते समय एक बात और ध्यान रखते हैं कि जो भी उससे हम मिनरल निकाल रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, प्रॉफिटेबली, बेनिफिशियल। मीन्स जो हम निकाल रहे हैं तो उस निकालने का जो खर्चा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो भी उसमें से मिनरल निकले उससे अधिक हम उसको निकालने में वेस्ट कर दें। ठीक है, नेक्स्ट इज, नेम टू रीजन्स इन विच नेचुरल गैसेस रिसोर्सेज। दो क्षेत्रों के नाम बताइए, ठीक है, जहाँ नेचुरल गैसेस है। कौन कौन से हैं, रसिया एंड नॉर्वे आर द टू रीजन्स रिच इन नेचुरल गैसेस। ये प्राकृतिक गैसों में बहुत अधिक धनी है, मीन्स प्राकृतिक गैस यहाँ बहुत अधिक पाई जाती है। कौन कौन से हैं, रसिया एंड नॉर्वे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सोर्स ऑफ एनर्जी वुड यू सजेस्ट फॉर। ये ऑप्शन दिए हैं कि इनके लिए आप कौन सी ऊर्जा का सजेशन देंगे, मीन्स आप कौन सी ऊर्जा का यूज करें। रूरल एरियाज में कौन सी, कोस्टल में कौन सी, और एरिड में कौन सी ऊर्जा का यूज करें। तो आंसर इज, बायो गैस एनर्जी फॉर रूरल एरियाज। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि गाँव देहात में क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय का गोबर या भैंस का गोबर और कचरा बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है, तो उससे बायोगैस बनाना इजी रहता है। ठीक है, कोस्टल एरियाज में हाइडल एंड टाइडल एनर्जी। जो कोस्टल क्षेत्र होते हैं वहाँ कौन सी, टाइडल, क्योंकि इसकी वहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, यहाँ इसको अच्छे से क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए तटीय क्षेत्रों में कौन सी एनर्जी, हाइडल एंड टाइडल। ठीक है, वाइंड एंड सोलर एनर्जी फॉर एरिड जोन। और जो एरिड जोन है, ठीक है, वहाँ पे कौन सी एनर्जी के लिए आप सजेस्ट करेंगे, वाइंड एनर्जी, क्योंकि वहाँ शुष्क प्रदेश होते हैं तो वहाँ अधिक जो वाइंड एनर्जी होती है उसकी संभावना है। वाइंड एनर्जी कह सकते हैं या सोलर एनर्जी भी कह सकते हैं। ठीक है, आप सोलर एनर्जी को भी सजेस्ट कर सकते हैं, सौर ऊर्जा भी और वायु ऊर्जा भी, दोनों ही सजेस्ट कर सकते हैं। गिव फाइव वेज इन विच यू कैन सेव एनर्जी। पाँच तरीके बताइए जिनसे आप ऊर्जा बचा सकते हैं। तो बहुत इजी है, कोई भी पांच तरीके बताने हैं जिनसे आपको ऊर्जा का बचत करनी है। तो ये कॉमन यूज है, कॉमन तरीके से, स्विच ऑफ लाइट एंड फैंस एंड अदर अप्लायंसेस व्हेन नॉट इन यूज। जब पंखे, बिजली या लाइट या दूसरे बिजली के उपकरण यूज में ना हो तो उनको क्या कर दें, बंद कर दें। बाई सीइंग टू इट दैट इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज आर अपेयरिंग एफिशिएंटली। ठीक है, और जो भी इलेक्ट्रिक डिवाइसेज आप यूज करते हैं तो उनको आप सही ऑपरेटिंग इफिशेंटली सही से चलाएं, जैसे डिफोसेटिंग रेफ्रिजरेटर रेगुलरली एंड नॉट कीपिंग द रेफ्रिजरेटर डोर ओपन फॉर लॉन्गर देन नेसेसरी। ठीक है, आवश्यकता से अधिक आप फ्रिज के गेट को ना खोलें। ठीक है, जितना ज़रूरत है उतना खोलें और कम से कम उसको खुला रखें, तो इससे क्या होगा, बिजली कम कंज्यूम होगी। ठीक है, आपका फ्रिज लंबे समय तक ठंडा रहेगा। तो आप जो भी अप्लायंसेस हैं, बिजली के उपकरण हैं, उनको सही से यूज़ करें। नेक्स्ट इज यूजिंग एनर्जी इफिशियंट डिवाइसेज सच एज फ्लोरेंस बल्ब एंड ट्यूब्स। कह रहा है जो लाइट्स होती हैं,
तो ऐसी इफ़िशेंट डिवाइसेस यूज़ करें जो बिजली को कम कंज्यूम करती हैं, जैसे फ्लोरेंस्ड बल्ब एंड ट्यूब्स। यूजिंग एनर्जी इफ़िशेंटली वाइल कुकिंग, फॉर एग्जांपल कीपिंग द लिड स्पैन ऑफ द वाइल कुकिंग, ठीक है। और जब घर में आप भोजन पकाते हैं तो पकाते समय चूँकि गैस भी ऊर्जा है, गैस एनर्जी है, तो उसको सेव करने के लिए आप पकाते समय ढक्कन को ढक के रखें, जिससे गैस कम खर्च होगी। अनप्लगिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस व्हेन नॉट इन यूज प्रिवेंट्स लीकेज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, द सेविंग एनर्जी, ठीक है। जब आपके कोई भी डिवाइसेस बिजली के यूज़ में नहीं है तो उनको क्या करें, अनप्लग कर दें और इफेक्टिव वे में उसको यूज करें और इसकी लीकेज को प्रिवेंट करें। नेक्स्ट वन इज टिक द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल, इनमें से कौन सा मिनरल का गुण नहीं है, ठीक है। तो कौन सा गुण नहीं है, दे आर क्रिएटेड बाई नेचुरल प्रोसेस। तो मिनरल्स होते हैं वो प्रकृति के द्वारा निर्मित होते हैं, प्रकृति की प्रक्रियाओं से निर्मित होते हैं। दे हैव अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, और ये भी आपने पढ़ा कि उसमें एक निश्चित मात्रा में रासायनिक कंपोजिशन होता है। दे आर इनएग्जॉस्टिबल मीन्स ये कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। ये गलत है क्योंकि आपने पढ़ा आप ऐसे इनको यूज करते रहेंगे तो इन फ्यूचर जल्दी ही क्या हो जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे, आने वाली जनरेशन इसका यूज़ नहीं कर पाएगी। तो ये क्या, ये सही नहीं है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोड्यूसर ऑफ माइका, इनमें से कौन सा माइका का प्रोड्यूसर नहीं है, ठीक है। कौन सा, झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान या आंध्रा, इसमें से कौन सा नहीं है, तो कर्नाटक माइका का उत्पादन नहीं करता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक कॉपर कौन से देश में उत्पादित होता है, ठीक है। कॉपर में तांबा सबसे अधिक कौन से देश में उत्पादित होता है, घाना, चिली, जिम्बाब्वे एंड बोलिविया। तो सबसे अधिक जो कॉपर है वो चिली में प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस विल नॉट कंजर्व एलपीजी इन योर किचन, इनमें से ऐसी कौन सा प्रोसेस है, कौन सी प्रक्रिया है जो आपके किचन में गैस को, ठीक है, कंजर्व या कंज्यूम अधिक करेगी, ओके। तो इनमें से कौन सा प्रोसेस अपनाएंगे जिससे गैस अधिक लगेगी, मतलब आपकी गैस नहीं बचाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज सोकिंग दाल फॉर सम टाइम बिफोर कुकिंग, पकाने से पहले आप दाल को कुछ समय के लिए क्या कर दें, भिगो दें, तो इससे भी आपकी क्या होगी, गैस बचेगी। कुकिंग फूड इन अ प्रेशर कुकर, आप भोजन को किस में पकाएं, कुकर में, इससे भी आपकी क्या होती है, गैस सेव होती है क्योंकि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। कीपिंग द वेजिटेबल चॉप्ड बिफोर लाइटिंग द गैस, गैस जलाने से पहले ही आपको क्या करना है, जो आपकी सब्जियां वगैरह हैं उनको काट के रख लेना है, तो इससे भी आपकी गैस सेव होती है। कुकिंग फूड इन अ ओपन पैन एंड केप्ड ऑन लो फ्लेम, कह रहा है कि आप कैसे भोजन पकाएं, ओपन पैन में, उसको ढके नहीं और धीरे धीमी फ्लेम पे, तो इससे आपकी जो गैस है अधिक कंज्यूम होगी। तो ये दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट इज गिव रीजंस, कारण बताइए। इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स मैस बी केयरफुली लुक्ड इनटू बिफोर बिल्डिंग ह्यूज डैम्स, बहुत बड़े बड़े बांध बनाने से पहले हमें कुछ इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट हैं उनको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन से हमें एस्पेक्ट ध्यान रखने हैं, रीजंस बताने हैं। इन्वायरमेंट एस्पेक्ट्स मस्ट बी केयरफुली लुक्ड इनटू बिफोर बिल्डिंग ह्यूज डैम्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, निम्नलिखित कारण हैं। डैम्स क्रिएट इम्बैलेंस टू द अर्थ इक्विबिलियम, तो अर्थ का जो इक्विबिलियम होता है उसको असंतुलित करते हैं क्योंकि बहुत ह्यूज होते हैं। डिफोरेस्टेशंस लीड द एनवायरनमेंट पोल्यूशन, वनोन्मूलन से अगर हम ऐसी जगह डैम बनाते हैं जहां पेड़ पौधों को काटते हैं तो इससे क्या होता है, एनवायरनमेंट प्रदूषित होता है। पीपल बिकम डिस्प्लेस्ड, लोगों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे बसाना पड़ता है, उनको भेजना पड़ता है। सिटी विलेज टाउन्स में रिक्वायर शिफ्टेड काजिंग टू फॉर हार्ड फॉर द पीपल, ठीक है। सिटी या गाँव या कस्बे, ठीक है, वहाँ के लोगों को जब शिफ्ट करते हैं तो अधिक मेहनत, अधिक हार्डशिप की जरूरत पड़ती है लोगों को। फ्लड थीट्स
लूम डार्ट्स, बाढ़ का खतरा अधिक हो जाता है, अर्थक्वेक थ्रेट्स और भूकंप का भी खतरा हो जाता है, एंड सिल्टिंग ऑफ लेक्स इज़ अ प्रॉब्लम, जो झीलें होती हैं उसमें सिल्ट गाद इकट्ठा हो जाती है। तो ये कुछ समस्याएँ सजेशंस हैं, तो इन सब बातों को हमें डैम बनाते समय ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट इज मोस्ट इंडस्ट्रीज आर सेंटर कंसंट्रेटेड अराउंड कोल माइंस, अधिकतर जो इंडस्ट्रीज हैं उनको कहाँ कंसंट्रेट किया गया है, किसके आसपास केंद्रित किया गया है, जहाँ पे कोयले की खाने हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, कोल इज यूज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड पावर, कोयले का यूज हम किस लिए करते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी एंड पावर के लिए, एंड ऑल्सो रॉ मटेरियल और कच्चे मटेरियल के तौर पे। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज, अधिकतर जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें हम कोयले को कच्चे मटेरियल के तौर पे यूज करते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे यूज करते हैं। हैंस मोस्ट इंडस्ट्रीज आर कंसंट्रेटेड अराउंड कोल माइंस, इसलिए अधिकतर इंडस्ट्रीज को कोल माइंस के आसपास लगाया गया है। पर्पस सेविंग कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल, ठीक है, क्योंकि जो कोल को लाने ले जाने में ट्रांसपोर्टेशन का खर्च आता है वो भी बच सके, सेविंग पर्पज से भी उसको वहाँ लगाया गया है। नेक्स्ट इज पेट्रोलियम इज रेफर्ड एज ब्लैक गोल्ड, पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। तो ऐसा क्यों है, पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहते हैं? पेट्रोलियम इज रेफर्ड एज ब्लैक गोल्ड बिकॉज इट इज ब्लैक इन कलर इन द क्रूड फ्रॉम इट्स डाइवेटेटिव एंड एक्सेम्पली वैल्यूएबल एज पेट्रोलियम इटसेल्फ। क्योंकि जब ये निकाला जाता है क्रूड ऑयल, ठीक है, जब इसको जमीन से निकाला जाता है तो इसका रंग कैसा होता है, काला होता है, और ये बहुत ही वैल्यूएबल है, ठीक है, इसलिए इसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। टुडे इट इज़ ऑलमोस्ट इनवेटेबल इन आवर डे टू डे लाइफ, आज हमारे जीवन में इसका बहुत अधिक महत्व है। अ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स, और जब हम इसको निकालते हैं जमीन से तो उसके बाद इसमें से बहुत सारे और प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जैसे केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, वैक्स, प्लास्टिक, लुब्रिकेंट्स, ईटीसी आर प्रोड्यूस फ्रॉम द दीज मिनरल सोर्सेज, ठीक है। तो ये सारे और दूसरे लिक्विड जो तरल पदार्थ हैं, फ्यूल ऑयल है, वो निकलता है क्रूड ऑयल से, इसलिए इसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। नेक्स्ट इज क्वेरिंग कैन बिकम अ मेजर इन्वायरमेंट कंसर्न। ओके, तो क्वेरिंग मीन्स जो हम खनिजों को बाहर निकालते हैं, ठीक है, तो कह रहा है कि मेजर इन्वायरमेंट कंसर्न, तो ये चिंता का विषय हो जाता है हमारे पर्यावरण की। ऐसा क्यों है, जब हम खनिजों को निकालते हैं तो ये इन्वायरमेंट के लिए वरीड चिंता का विषय है, ऐसा क्यों है, क्यों है? क्वेरिंग कैन बिकम अ मेजर इन्वायरमेंट कंसर्न, जब हम खनन करते हैं, खनिजों को निकालते हैं जमीन की खुदाई करके, तो ये चिंता का विषय हो सकता है पर्यावरण की दृष्टि से। बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, निम्नलिखित कारणों के तहत, इट मे डिस्ट्रॉय द ह्यूमस ऑफ सॉइल विच इज मस्ट रिक्वायर फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ये उसमें ह्यूमस को नष्ट कर देता है जो पौधों की ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है। जब हम किसी जमीन को खोद के कहीं से कुछ मिनरल निकालते हैं तो उसमें जो ह्यूमस होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, और वो ह्यूमस वर्क क्या करता है, वो ट्री की ग्रोथ में वर्क करता, हेल्प करता है, ठीक है, एंड क्रॉप्स की ग्रोथ में हेल्प करता है। तो जब आप उसको ह्यूमस को नष्ट कर देते हैं तो ट्रीज या प्लांट्स आपके ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, इसलिए क्वेरिंग क्या है, इन्वायरमेंट के लिए थोड़ा हार्मफुल है। नेक्स्ट इज इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ नॉइज, इससे बहुत अधिक मशीन का यूज करते हैं, ठीक है, तो मशीनों से नॉइज पॉल्यूट होता है ड्यू टू इज एक्सप्रेसिव एंड टाइम्स इन ऑर्डर टू ब्रेक द ह्यूज चंक्स ऑफ रॉक्स, ठीक है, इससे बहुत अधिक नॉइज पॉल्यूशन होता है क्योंकि इसमें कई बार एक्सप्लोजिव आइटम्स लगाते हैं, विस्फोटक यूज करते हैं जिससे उसको हम तोड़ सकें, ब्रेक कर सकें, इसलिए बड़े बड़े चंक्स बन जाते हैं रॉक्स में, चट्टानों में बड़ी बड़ी दरारें बन जाती हैं। इन द प्रोसेस ऑफ क्वेरिंग लॉट ऑफ डस्ट इज जनरेटेड, जब क्वेरिंग करते हैं, खनन करते हैं, तो बहुत सारा धूल जनरेट होता है, काजेज एयर पोल्यूशन एंड ऑल्सो ऑक्यूपेशनल हजार्स, ठीक है, तो जो व्यावसायिक हजार्स होते हैं उनको भी क्रिएट करता है और एयर पोल्यूशन भी फैलता है। ब्लास्टिंग डन इन द प्रोसेस ऑफ क्वेरिंग जनरेट वाइब्रेशन विद डैमेज इन द नियर बाई बिल्डिंग्स, तो जब आप क्या करते हैं, ब्लास्टिंग करते हैं, ठीक है, तो आसपास की बिल्डिंग्स क्या होती हैं, वाइब्रेट होती हैं, तो उनके कोलैप्स होने का, डैमेज होने का डर रहता है, डैम्स और एनी अदर सिमिलर स्ट्रक्चर, या बांधों के टूटने का डर रहता है, या दूसरे कोई इस प्रकार के स्ट्रक्चर हैं तो उनके टूटने का, गिरने का डर रहता है।
ओके तो इसीलिए जो खनन है ये इन्वायरमेंट के लिए कैसा है, चिंता का विषय है। डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, निम्नलिखित में आप अंतर बताइए, कौन कौन से हैं? कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। हमने आपको बताया एनर्जी रिसोर्सेज दो प्रकार के होते हैं, एक परंपरागत और एक गैर परंपरागत, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। डिफरेंस क्या होता है ये देखते हैं। हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं परंपरागत, इनको आप लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, ठीक है, बहुत लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। आर नॉट कॉमनली यूज, ये गैर परंपरागत सोर्सेज को आप बहुत लंबे समय तक यूज नहीं कर सकते हैं। आर जनरली एग्जास्टेबल, ये क्या है, एग्जास्टेबल है, ये इनएग्जास्टेबल है, सामान्य रूप से कैसे होते हैं ये एग्जास्टेबल और ये इनएग्जास्टेबल होते हैं। आर मोस्टली पोल्यूटिंग, आर मोस्टली नॉन पोल्यूटिंग, इनसे अधिक प्रदूषण होता है और इनसे प्रदूषण नहीं होता है। एग्जाम्पल फायरवुड कोल, एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में, ये समाप्त हो सकते हैं और ये नहीं समाप्त होने वाले हैं, ठीक है, ये पोल्यूशन नहीं करते हैं और ये पोल्यूशन करते हैं, तो ये अंतर है। नेक्स्ट इज बायोगैस एंड नेचुरल गैस। बायोगैस और नेचुरल गैस में क्या डिफरेंस होता है? फॉर्म यूजिंग ऑर्गेनिक बेस सच एज डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स मैटर, एनिमल डंग एंड किचन वेस्ट। आपने पीछे पढ़ा मृत जानवर, पेड़ पौधे या जो गाय भैंस का गोबर होता है उससे हम इसको क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। इसमें क्या होता है, फाउंड अलॉन्ग विद द पेट्रोलियम डिपॉजिट्स, ये पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के साथ साथ पाए जाते हैं। एंड गेट्स रिलीज वेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट इन टू द सर्फेस, और ये कब पाए जाते हैं, जब कच्चे ऑयल को बाहर निकाल लिया जाता है तब फिर गैसेस को प्राप्त किया जाता है। इज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये गैर परंपरागत ऊर्जा का सोर्स है। और नेचुरल गैस कैसा है, ये कन्वेंशनल, ये परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। इज इजीली अवेलेबल स्पेशली इन रूरल एरियाज, ये आसानी से उपलब्ध हो जाता है स्पेशली रूरल एरियाज में। इट इज़ नॉट अवेलेबल, वेरी फ्यू कंट्रीज हैव सफिशियंट नेचुरल गैस रिजर्व ऑफ देम, ये आसानी से उपलब्ध नहीं होता है, कुछ ही देश हैं जिनके पास इसके प्राकृतिक भंडार हैं, ओके तो ये डिफरेंस है बायोगैस एंड नेचुरल गैस में। इस पोल्यूटिंग काजेस ग्रीन हाउस इफेक्ट एज इन रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, इसके प्रदूषण का कारण क्या है, ये कौन सी गैस को रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज़ क्लियर फ्यूल, जबकि ये क्या होता है, क्लीनर फ्यूल होता है। यूज एज अ डोमेस्टिक फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग, ये घरेलू ईंधन के तौर पर यूज किया जाता है, काय के लिए, बिजली जलाने के लिए और पकाने के लिए। यूज एज अ डोमेस्टिक फ्यूल एज अ वेल नोन इंडस्ट्रियल फ्यूल, ये भी डोमेस्टिक फ्यूल है और ये इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में अधिक जाना जाता है। नेक्स्ट इज फ्यूरियस एंड नॉन फ्यूरियस। अ मेटेलिक मिनरल दैट कंटेन आयरन, कोई भी मिनरल जिसमें धातुएं पाई जाती हैं, ठीक है, क्या कहलाता है, लोहा पाया जाता है, क्या कहलाता है, फ्यूरियस। ये नॉन मेटेलिक होता है। अ मेटेलिक मिनरल्स दैट डज नॉट कंटेन आयरन, ठीक है, कोई ऐसा मेटेलिक मिनरल्स, ठीक है, तो उसमें आयरन नहीं पाया जाता है, तो ये नॉन फ्यूरियस मिनरल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन, मैगनीज, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है, इसमें लोहा नहीं पाया जाता है, इसमें लोहा पाया जाता है। मेजर डिफरेंस यही है, जो फ्यूरियस मिनरल्स होते हैं उसमें लोहा पाया जाता है और नॉन फ्यूरियस में लोहा नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट इज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। मेटेलिक मिनरल्स आर मिनरल कंटेनिंग मिनरल इन रॉ फॉर्म, इसमें कच्चे स्वरूप में जो मिनरल्स होते हैं वो पाए जाते हैं। अ मिनरल नॉट कंटेनिंग मेटल, इसमें मेटल्स नहीं होते, धातु नहीं होती हैं, एग्जाम्पल बॉक्साइड आयरन ओर, और इसके उदाहरण है लाइमस्टोन और जिप्सन, ठीक है। तो ये डिफरेंस है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स में। सो इन दिस वे योर एक्सरसाइज हैज बीन कंप्लीटेड, आई होप यू विल डू इट इन योर फेयर नोटबुक्स एंड लर्न आल्सो, ओके। तो इसके जो अंदर के क्वेश्चन आंसर हैं इंटरनल, उसको मैं बाद में उसका एक वीडियो लेके आऊँगा, अभी आपको इनको करना है और लर्न करना है, ओके। टिल देन ओके, बाय बाय।